और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम अपने 3D मॉडल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं और यहां पे अगर आप देखें तो हमने ये काम किया था और इस पे मैंने मटेरियल अप्लाई किया था। मैंने आपसे आपको कहा था कि आपने खुद मटेरियल अप्लाई करना, तो इस तरह मैंने हर एक चीज को अलग अलग से मटेरियल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको मैंने टेक्निक्स बताई थी मटेरियल की कि आप मटेरियल कैसे लगा सकते हैं। तो आपने इसी तरह मटेरियल अप्लाई करना है। और एक गलती हमसे हो गई थी प्रीवियस लेसन में, जो मैंने आपको बताया भी था कि आपने इसको सॉल्व करना है, वो ये हुई थी कि मैंने यहाँ पे ये जो मेरे पास फर्श था इसको मैंने इस कॉर्नर में लगा दिया था। तो इसको जो है तो यहां से आपने कॉपी करके 18 इंच अंदर की तरफ आपने लेके अंदर की तरफ लगाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखे तो मैंने यहाँ पे बाहर वाला हिस्सा कॉपी किया, वो मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेसन में किस तरह कॉपी करना है। और फिर इसको मैंने 18 इंच अंदर की तरफ जो है तो मैंने इसे ऑफसेट किया। देने के बाद मैंने इसको अंदर वाले को मूव करके यहाँ पे ले आया, कॉपी करके यहाँ पे लाने के बाद इसे मैंने प्रेस पुल कमांड की मदद से तकरीबन 2 फीट ऊपर उठा दिया था। और फिर उसको मैंने यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़ के तो फिर मैंने इसे 3D मॉडल को यहाँ पे एडजस्ट किया। तो अब यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद हमारे पास एक तो हमने ये वाली यहाँ पे कुछ स्टेयर्स बनानी है। हमारे पास कार पोर्च का जो एरिया है इसको मैं पीछे की तरफ थोड़ा सा प्रेस पुल कमांड की मदद से लेके आऊंगा और यहाँ पे इसको मैं बिल्कुल जो है तो नीचे की तरफ लाऊंगा, ताकि जो मेन क्या हमारे पास ये फर्श जो है इससे कार गुजरने की जगह हो सके। तो इसको बिल्कुल नीचे प्रेस पुल कमांड की वजह से या फिर मैश मॉडलिंग की वजह से मैं इसे नीचे लेके आऊंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टेयर बनाता हूँ। तो स्टेयर के लिए मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इन सब लेयर्स को ऑफ कर लेता हूँ। जितने भी लेयर ऑफ करने का एक और तरीका है कि आप यहां से देखें तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे टर्न ऑफ लेयर, इस पर क्लिक करेंगे और जहां जहां पे क्लिक करेंगे वो लेयर ऑफ होती जाएंगी, देख सकते हैं। ओके, और जैसे कि रेलिंग वाली लेयर नहीं ऑफ हो रही तो उसको आप यहां से लेकर ऑफ कर लें। मैं यहां से जो लेयर ऑन करूंगा वो मैं ड्राइंग वाली लेयर को ऑन कर लेता हूं। और क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया था जब हमने फ्रंट एलिवेशन लिया था, तो फ्रंट एलिवेशन मैंने यहाँ पे इस डोर के साथ जो है तो मैंने इसे मैं यहाँ से टॉप व्यू में ले गया था और थोड़ी बार फ्रंट। तो फ्रंट एलिवेशन आप देखें तो फ्रंट एलिवेशन में हमने इस डोर के साथ स्टेयर भी बनाई थी, क्योंकि ये बाहर वाला डोर है, अंदर जो कार पोर्च के साथ वाला डोर अंदर जा रहा है वो ये वाला है। तो ये मेन यहाँ पे मेन गेट भी होगा और यहाँ पे कार पोर्च का एरिया है, मेन गेट है और यहाँ से एंट्रेंस है अंदर। मेन गेट का यहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं था तो हम बाहर की तरफ मेन गेट लगा सकते हैं, यहाँ पे चेरिया बना के लगा सकते हैं। तो मेन गेट कैसे लगता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली हमने जो डोर बनाए थे इसी तरह आप मेन गेट भी बना सकते हैं, तो इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी ज्यादा आपको हर चीज क्लियर होगी। तो मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ, एल एंटर करता हूँ, एल एंटर, और इस कॉर्नर से पहले आपने यहाँ से देखना है कि आपके पास ड्राइंग सेलेक्ट है, आप यहां से इसको ड्राइंग में लेके जाए, इस यहां से नीचे से आप लाइन ले लें एल एंटर और बिल्कुल इसके यहां से आपने एक लाइन लेनी है तकरीबन 2 फीट की, हमने 2 फीट की इसको लाइन दी थी। फिर यहां से इसी तरह एल एंटर करता हूं मैं और यहां से 2 फीट की मैं लाइन ले लेता हूं, लाइन लेता हूँ एल एंटर इस कॉर्नर से लेकर यहां तक, ओके। अब मैं ऐसा करूंगा कि यहां से ऑफसेट लेता हूँ, ओ एंटर, तकरीबन मैं ऑफसेट ले लेता हूँ जी 7 इंच का, ओके, और ई एक्सटेंड कमांड लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करूंगा
ex extend point लिया, इसको क्या space press करके इसको extend कर लें और यहाँ से extend कर लें. okay offset लेता हूँ, o enter, तकरीबन 3 इंच का offset ले लेता हूँ. अब ये मर्जी आप जितना भी ले, मैं देखता हूँ, मैं 3 इंच का ले लेता हूँ. यहाँ से 1 2 एंड 3 टाइम आप offset ले लें. अगर आप चाहते हैं 3 से ज्यादा लेना चाह रहे हैं तो आप यहां से 3 से ज्यादा ले लें, जैसे कि मैं ले लेता हूं जी 4 इंच का या 5 का, 6 का भी आप ले सकते हैं. 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3. आप ही काम कर लें, आप यहां से ऑफसेट ले लें बेशक. ओके दीवारें ठीक है, सही है, 6 इंच का कर लेता हूं. ओ एंटर, 6 इंच एंटर. फर्क कोई नहीं पड़ता 6 का लिए 5 का लिए जितना भी लें, ये सिर्फ हम बीच का गैप दे रहे हैं थोड़े से स्टाइलिश स्ट्रिप बनाने. ओरिजिनल ले लें और बोलियन के लिए कलर सी ओ एल एंटर करें. कलर में यहां से ये वाला ले लेता हूं. ओके पी एल एंटर. इस कॉर्नर से यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक और फिर यहां से इस कॉर्नर तक ले. मेरे कमांड पर अप्लाई कर लें एम आई एंटर, एम आई एंटर. इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, इसको इस मिड पॉइंट से मिरर कर लें. ओके ट्रिम टी आर डबल एंटर, इनको ट्रिम कर लें, ट्रिम कर लें, ट्रिम, ट्रिम. अंदर वाले जितने भी इनको ट्रिम करें, जो ट्रिम नहीं हो रहे तो इनको डिलीट कर दें, इसके मेरे को से ट्रिम नहीं हो रहा. ओके जो ट्रिम नहीं हो रहा उनको सिलेक्ट करें, डिलीट और डिलीट यहां से कर दे. अब यहां पे काम कर लें जी आप, यहां तक ये सारा काम हो चुका है और तकरीबन ठीक है. ओके बाउंड्री लेते हैं तो यहीं पे ले लें या फिर पॉली लाइन ले लें, यहां से यहां तक ले लेता हूं ये पॉली लाइन. ओके बाउंड्री लेने, बीओ एंटर कर लें, पिक पॉइंट और इनको सिलेक्ट करें. ये बीच वाली लाइन है, इसको मैं फिलहाल ट्रिम कर लेता हूं. टी आर डबल एंटर. ओके बीओ एंटर, पिक पॉइंट और इनको बाउंड्री कर लें. ओके बाउंड्री कर लिया. अब इस तरह करें कि आपने इन तीनों को, बल्कि मैं इस तरह करता हूं, इसको आप यहां से रियलिस्टिक में लेके जाता हूं और टॉप से एसडब्ल्यूएस मैट्रिक व्यू में लेके जाता हूं और यहां से इसे रियलिस्टिक व्यू में लेके जाता हूं. अब मैं जो है तो स्टेयर जो मेरे पास यहां से मैंने उठाई थी वो तकरीबन 2 फीट मैंने ऊपर उठाया था, तो मैं तकरीबन 8 इंच की स्टेयर लेता हूं. 8 8 और 8 8 इंच में यहां से स्टेयर ले लेता हूं. 8 इंच की आपने स्टेयर लेने का तरीका करके कि यहां से ऐसे रखूंगा, प्रेस पुल कमांड लेने, आप यहां से सॉलिड में जाके अपने प्रेस पुल कमांड लेनी है और यहां से इसको सिलेक्ट करके यहां से ऊपर ले आता हूं और इसको 8 इंच दे देता हूं. दूसरा जो है ये मैंने जिस तरह मैंने स्टेयर बनाई थी आपको मैंने बताई थी कैसे टेक्निक्स, अब यहां से इसको सिलेक्ट करके आपसे ड्रैग करके आप यहां तक ऊपर तक लें.
अब इसके लिए मैं यहां से 2D वायरफ्रेम में लेके जाता हूं ताकि सही नजर आए। प्रेस पुल कमांड लेते हैं यहां से, फिर इसको सेलेक्ट करके इसको इस कॉर्नर तक लेके आता हूं और यहां से इसे ऊपर लेके जाता हूं और 8 इंच इसी तरह इसको सेलेक्ट करके यहां से इस कॉर्नर में लेके आता हूं और यहां से इसको सेलेक्ट करके 8 इंच। अब देखते हैं जरा, ओके आप बस यहां पे आ गए देख सकते हैं। और इसको वैसे मैं यहां से जो है तो प्रेस पुल कमांड अप्लाई करके ऐसे ही हल्की सी इसको स्ट्रेट दे देता हूं, सॉलिड में जाते हैं प्रेस पुल और इसको 1 इंच दे देता हूं। ओके इनको मैं सेलेक्ट करूंगा, और हमें जाके इनको मूव कर लेता हूं स्टेयर में, स्टेयर में मूव कर लिया। ओके और इस स्टेयर को मैं ऑन करता हूं यहां से, इनको सेलेक्ट करता हूं और बल्कि होम में जाता हूं और यहां से आप आपको जो जो आपका आपको लगे कि कंप्लीट मेरा ये काम हो चुका है, कंप्लीट प्रोजेक्ट हो चुका है, तो आप उसके यहां से यूनियन कर ले, यूनियन पे क्लिक करके आप उसको सेलेक्ट करके आप उसको यूनियन कर ले और होम में जाता हूं। यहां से ये जो मेरे पास ड्राइंग है इसको ऑफ कर लेता हूं ताकि ये इजी में काम कर सको। होम में जा रहा हूं और यहां से जो है तो मैं बल्कि सॉलिड में जाता हूं और यहां से यूनियन पे क्लिक करता हूं, इस सारे को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा, ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं स्टेयर मेरे पास, अब मैं ये स्टेयर में कन्वर्ट हो चुका है। इसको मटेरियल देना है तो आप यहां से रेंडर में जाएं, बल्कि हां रेंडर में जाने के बाद आपने यहां से मटेरियल ब्राउजर पे क्लिक करें और यहां से स्टोन वाला मटेरियल में फॉर एग्जांपल इसको दे देता हूं जी। ओके ये मैंने स्टेयर का मटेरियल दे दिया इसको, ये जो लाइन होते हैं इनको आप बेशक डिलीट कर लें। ओके मैंने यहां से मटेरियल दे दिया इसको, तो ये मेरे पास होम में जाता हूं और मैं आपको बताता हूं यहां से ये मेरे पास तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं स्टेयर। अब मैं दोबारा से यहां से जाऊंगा और यहां से मैंने जो है तो ड्राइंग को दोबारा से ओपन करना है। अब मेरे पास यहां जहां तक स्टेयर ओपन हुई है तो मैं यहां तक इसको लाइन लेता हूं यहां से, एल एंटर करूंगा यहां से और इस लाइन को मैं यहां से इस जगह तक इस पॉइंट तक ले आता हूं। ये जो है मेरे पास ये ड्राइंग व्यू में है। ओके ले आया यहां तक मैं इसको, यहां से एल एंटर करें, पीएल पॉलीलाइन ले लें यहां से, यहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके यहां से पॉलीलाइन लेता हूं, यहां तक फिर इसको यहां तक आर्क ले लें एंटर, डायरेक्शन के लिए डी एंटर कर लें, एल एंटर, प्रेस पुल कमांड की वजह से भी फेस को सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं काम। अब मैं
यहां से जो काम करूंगा वो ये करूंगा कि मेरे पास यहाँ पे ये दीवार है, मैंने यहाँ पे दीवार लगाई थी, वो जो दीवार मैंने लगाई थी वो तकरीबन 2 फीट मैंने उससे ऊंचाई दी थी। तो मैं होम में जाके यहां से मैं काम करता हूँ कि मैं यहां से प्रेस पुल कमांड यूज करूंगा, सॉलिड में जाता हूँ और यहां से प्रेस पुल लेता हूँ कमांड, और यहां से इसको फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ, प्रेस पुल लेता हूँ और यहां से इसको उठाता हूँ तकरीबन 2 फीट, और इसको मैं यहां से कलर इसी तरह का दे देता हूँ। तो इसके लिए मैं एक तो मैच प्रॉपर्टी यहां पे काम कर देगी नहीं, ओके यहाँ पे काम हो गया। अब मैं जो है तो यहां से एक और काम करूंगा कि मैं इसको इस कॉर्नर से पकड़ के यहां तक मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एन एंटर, बल्कि यहां से इस कॉर्नर से उठाता हूँ और इसको इस कॉर्नर में जोड़ता हूँ। अब मैं एक और काम करूंगा कि बोलियन लेता हूँ पी एल इंटर, बल्कि एक काम करते हैं यस, कंट्रोल सी, ओके पी एल इंटर पोलियन लेता हूँ पी एल इंटर, पोलियन पी एल, ओके 3D पोलियन लेता हूँ, 3D पोलियन लेता हूँ और यहां से इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहां से इस कॉर्नर से पकड़ता हूँ और यहां से इसको इस कॉर्नर में लेके जाऊंगा, यहां से टॉप पे आऊंगा दोबारा से और टॉप से फिर दोबारा इस कॉर्नर तक, होम में जाते हैं और यहां से बल्कि सॉलिड में जाता हूँ और प्रेस पुल कमांड लेता हूँ, सुपर को सिलेक्ट करता हूँ और ओके। अब देखते हैं जी ये हमारे पास कैसा ऑब्जेक्ट बना है, होम में जाए, यहां से इसे SWS मैट्रिक होम में जाता हूं और इसे यहां से टॉप है SWS मैट्रिक व्यू, ये इलास्टिक व्यू है और यहां से सब लेयर को मैं ऑन करता हूं, देखिए जरा अब आपके पास ये बिल्कुल सही हो गया। अब एक देखें, अब ये थोड़ी सी मिस्टेक हमारी ये हो गई है कि इसको मैं थोड़ा सा यहां से ऊपर कर लेता हूँ इसी को, लेकिन देखें ये इस वजह से हुआ कि इसको यहां से करता हूँ कि थोड़ा सा मैंने इसको ज्यादा हाइट दी हुई थी मेरे ख्याल से। होम में जाए आप सॉलिड में और यहां से प्रेस पुल कमांड लें और ये जो इसका फ्रंट फेस है इस फेस को सिलेक्ट करें, ये फेस मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस कॉर्नर से उठाता हूं और
कंट्रोल सी, बल्कि ये जो ऊपर वाला फेस है इसको मैं नीचे ले आता हूँ, प्रेस बोल इसको सिलेक्ट करें ऊपर वाले फेस को, तो जोड़ दें, आप देखें बिल्कुल सही हो गया, इसको भी सिलेक्ट करें, इसको इससे जोड़ दें, प्रेस पुल कमांड ने सिलेक्ट किया यहां से, ओके तो अब ये कंप्लीट हो चुका है जी, आप देख सकते हैं, शिफ्ट को प्रेस करके देखें तो ये आपका यहां तक ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।